दोस्तों फाइनल के मोबाइल फोन के स्क्रीन पे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। उससे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलएनटी फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में। इसके ऊपर मैंने आज से 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, शुरू से शुरुआत करूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये आप पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन से ले पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अप्रूवल रेट क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, सब कुछ संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले डिटेल में कि एप्लीकेशन क्या क्या चार्जेस यहाँ पर लेती है। प्रोसेसिंग फी की यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो 2% प्लस GST आपको यहाँ पर देना होगा। लोन प्रोसेसिंग टाइम की बात किया जाए तो 24 घंटे का समय यहाँ पर लग सकता है। लोन टेनोवर यानी कि कितने महीने का लोन आपको यहाँ पर मिल रहा है देख सकते हैं यहाँ पर, 12 महीनों से लेकर 48 महीनों का समय मिल सकता है लोन भुगतान करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि एलएनटी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यानी आप इस फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। खुद में एक बहुत बड़ी NBFC कंपनी होने के साथ साथ आपको लोन यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड कराती है। दोस्तों बात करें फीचर के बारे में तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस, कहीं भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोसेस इनके एप्लीकेशन के जरिए से भी आप कर सकते हैं। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कैटेगरी में घर बैठे लोन ले सकते हैं, किसी तरह का कोई कलेक्टोरल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो भाई अगर आप आधार पैन के बेस पर लोन लेना चाहते हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन ये काम करने वाली है। क्या सिविल स्कोर होने वाली है वो भी हम आपके सामने यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया है भाई अप टू 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं आप, और साथ ही साथ देख सकते हैं ROI जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात किया जाए तो 12% से स्टार्ट होती है, और आप देख सकते हैं 12 महीनों से लेकर 48 महीनों का समय मिल जाएगा लोन भुगतान करने के लिए। क्विक डिसबर्समेंट देखने को मिलेगा, डिजिटल प्रोसेस किए जाते हैं, कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर बता दें, यहाँ पर सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, कोई भी सिविल स्कोर में निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आपकी उम्र 23 साल से लेकर 54 साल के बीच होनी चाहिए, सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन ये काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा करंट एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगा, आधार कार्ड लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में आधार पैन कार्ड आपको यहाँ पर दोस्तों देना होगा। अब ऐसे में इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से हम घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने दोस्तों डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। लेकिन आपको ये भी दोस्तों बता दें यहाँ पर ये पूरे भारत में एप्लीकेशन काम नहीं करती, और इन्होंने कहीं बताया भी नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, ये सभी जगह दोस्तों लोन प्रोवाइड नहीं कराती। और ये भी याद रखें सिविल स्कोर कम से कम आपका 700 या फिर 750 होना चाहिए, कोई भी रनिंग लोन नहीं होनी चाहिए, 1-2 हो तो चलेगा लेकिन 3-4 नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ इंक्वायरी आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर बता दें। जितने सारे NBFC फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे हैं या फिर जितने सारे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ रहा है, सारे के सारे दोस्तों सिविल फैक्टर को देखते हुए ही लोन आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है तो ऐसे कंडीशन में आपको लोन यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसका सिविल स्कोर बढ़िया है भाई उसी को यहाँ पर लोन मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर ही ले आपको लोन मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन और इनके प्राइवेसी पॉलिसी जांच पड़ताल करने के बाद ही दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। मेरा काम है दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है जानकारी कलेक्ट करना, लोन लेना नहीं लेना वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम है भाई जानकारी देना कि भाई कौन सा एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल में चलते हैं तो देखने को मिलेगा ये है एलएनटी फाइनेंस, जो कि एक खुद में बहुत बड़ी NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसके जरिए से आपको लोन प्रोवाइड कराती है। इनके लोन और प्रोडक्ट देखा जाए तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस भी ये दोस्तों यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको बेसिक सा डिटेल जो आपको प्रोवाइड कराया है वो भाई यहाँ पर पर्सनल से रिलेटेड है। आप चाहते तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक बार आकर जांच पड़ताल खुद से जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी दोस्तों यहां पर बदली की जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं यहां भी आपको सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा भाई, कितने का लोन आपको मिलेगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या रहने वाली है, सारे प्रोसेस जो होंगे भाई डिजिटल पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपको लोन के प्रोसेस होंगे, लोन आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कैटेगरी में एप्लीकेशन काम करेगा, कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन का मेन फीचर, आप चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हैं किस तरह से लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो भाई इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, पहले वो वीडियो देखिए समझिए, समझ में आता है तो फिर लोन के लिए अप्लाई करिएगा।
अब यहाँ पर दोबारा हम लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है। आप चाहते तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए से भी लोन के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम मोबाइल नंबर के साथ आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिना इनकम प्रूफ के घर बैठे लोन लेना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं, इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। बाकी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर ही दोस्तों आपको लोन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर इंस्टेंट एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।